कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। तीसरे प्रत्याशी झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री केएन त्रिपाठी का नामांकन हुआ रद्द। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की अपील, कहा अल्ताफ शाह को मानवीय आधार पर रिहा किया जाए, वो गुर्दे के कैंसर से हैं ग्रस्त। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं, उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। रामायण फेम अरुण गोविल को भगवान राम समझकर एयरपोर्ट पर भावुक हुई महिला, एयरपोर्ट पर ही छूने लगी पैर, वीडियो हुआ वायरल। यूएनएससी में फिर पुतिन के साथ भारत, रूस के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान से किया परहेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी, अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी राजदूतों के साथ गुजरात में नवरात्रि के खास समारोह में हुए शामिल। गाजियाबाद के रामलीला मैदान के मेले में झूला टूटने से हादसा, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका की खारिज, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को दी थी चुनौती।